हर गेमर के कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ हम पूरे करते हैं और कुछ पूरी करने की कोशिश में आज भी लगे हैं। उनमें से एक ख्वाब जो मेरा था 2019 से, वो था मेरा गेमिंग रूम बनाना। जो लोग मुझे शुरुआत से फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा, जो मैंने पहली स्ट्रीम करी थी तब तो एक्चुअली मैं इस घर में था भी नहीं, तब मैं पुराने घर पर था और उस वक्त ना फेस कैम हुआ करता था ना कुछ पता था, एक आईफोन था, उसके थ्रू हमने ऑमलेट टारगेट के थ्रू एक रैंडम स्ट्रीम वैसे शुरू कर दी थी बेड पे लेटे लेटे। तब से लेके जो मेरी पहली स्ट्रीम यहाँ पे इस डेस्क पे हुई थी, इस टेबल पे, जब इस घर में हम शिफ्ट हो गए थे, तो तुम लोगों को याद होगा मांबा मर्सी आए थे उस वक्त मेरे घर पे, मेरा बर्थडे का टाइम था आई थिंक, इस टेबल पे हम लोग ने बैठ के सेटअप किया था। यहाँ पे मैं बैठा था, यहाँ पे मांबा बैठा था, मांबा उस वक्त फेस कैम करता था, तो उसके फेस कैम में तुम लोगों को ये बैकग्राउंड दिखा होगा और वहाँ पे मर्सी ने बैठ के स्ट्रीम किया था। तो यहाँ पे जब मैं स्ट्रीम करता था यहाँ पे लैपटॉप के थ्रू करता था। उसके बाद 2019 खत्म होते होते आई थिंक हमने अपना पीसी सेटअप बनाया था जो हमने उस रूम में शिफ्ट किया। तो पिछले 4 साल से तो तुम लोग वो रूम देख देख के पक ही गए होगे, मैं खुद पक गया था। बैकग्राउंड में एक टिकट लगी थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो जब ये रूम मैं बना रहा था तो कमेंट्स में बहुत लोगों ने बोला कि ये टिकट रूम का पार्ट होना चाहिए। तो ऐसी और भी 2-4 चीज़ें जो हमने रूम का पार्ट रखी है और कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है। पर उसके पहले गाइस थोड़ा बैक स्टोरी बताते हैं। 2019 से ही मेरा गेमिंग रूम बनाने का प्लान तो था ही, पर क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था कि क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, किस तरीके से बनता है, तो प्लान थोड़ा होल्ड पे रह गया। उसके बाद कोविड आ गया तो 1-1.5 साल वहाँ निकल गया, फिर जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। उसके बाद अब जाके रिसेंटली मैंने मांबा का गेमिंग रूम रिवील का वीडियो देखा, वो मेरे को बहुत सेक्सी लगा। मैंने मांबा को मैसेज किया यार, तो उसने बताया ये तो शाश्वत ने डिज़ाइन किया है। मैंने इंस्टेंट अगले ही सेकंड सीड बॉय को मैसेज किया, शाश्वत का नंबर लिया, अगले दिन शाश्वत आ गया, ये पूरा मेरा जो गेमिंग रूम है ये उसने ही डिज़ाइन किया है। तो मुझे तो बहुत सेक्सी लगा, आप लोग देख के बताना आपको कैसा लगता है। सो वेलकम टू माई गेमिंग रूम। गाइज एक चीज़ जो सब लोग ने चैट में यूनानिमसली बोली थी वो था कि रूम में टिकट रहना चाहिए, वो कहीं नहीं जाना चाहिए। तो पिछले 4 साल से ये जो टिकट थी ये मेरे बैकग्राउंड में रही है। इस बार हमने थोड़ा सेटअप चेंज करने के लिए पीसी सेटअप के ऊपर टिकट लगा दिया है। तो तुम लोग के व्यू में वो 4 साल से थी, अब अगले कुछ सालों तक ये मेरे व्यू में रहेगी। और उसके पीछे एज यू कैन सी RGB लाइट्स भी लगी हुई है जिस पर हम बाद में बात करेंगे। उसके नीचे एक शेल्फ लगाया है जहाँ पे थोड़े खिलौने, थोड़ी मेरी ट्रॉफीज़ है, कुछ एक्शन फिगर्स है, और उसी के नीचे हमारा ड्यूअल मॉनिटर सेटअप है। सेटअप तो ऑल्दो हमारा जो 4 साल से रहा है वही है, क्योंकि जेबें खाली हो गई रूम बनाने में यार ऑनेस्टली। पर यहाँ पे एक की लाइट, तुम लोग सोच रहे होंगे एक ही है दूसरी कहाँ है, वो दूसरी अभी रास्ते में आ रही है। और यहाँ पे जो एक सेंटर में स्टैंड है उस पे यही कैमरा लगने वाला है जिस पे हम शूट कर रहे हैं। तो जो पिछले 3-4 साल से तिजोरी में पड़ा था कैमरा वो फाइनली यूज़ में आएगा। तो गाइस सेटअप पे कैमरा के अलावा और की लाइट के अलावा कोई नया एलिमेंट तो ऐड नहीं हुआ है। पर ये जो डेस्क है मेरा पहले जो हुआ करता था बहुत कॉम्पैक्ट था, बहुत स्पेस की दिक्कत थी, तो इस बार थोड़ा बड़ा स्पेशियस डेस्क बनवाया। ऑल्दो 2 मॉनिटर का ही सेटअप है पर आराम से तीसरा मॉनिटर भी फिट हो जाए, उतना बड़ा डेस्क बनवा दिया है। तो गाइस जो गेमर्स हैं उनको पता ही है कि उनके एक्सेसरीज कभी ख़त्म नहीं होते, तो उसके लिए ये एक IKEA से ड्रॉअर का यूनिट मंगा रखा है जिसमें इतने सारे ड्रॉअर्स है कि जो भी वायर है सारे हमने एक एक ड्रॉअर में भर दिए। तो क्या बाहर एटलीस्ट टेबल नीट रहे, क्लीन रहे, यहाँ पर वायर्स का उतना प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद एक यहाँ पे सिपर है, ऑल्दो मैं कॉफ़ी उतना पीता नहीं हूँ पर कभी अगर मन कर गया तो उसके लिए उसका होल्डर भी है और सिपर है। और ऑन दी अदर साइड हमारे पास हेडफोन का भी एक होल्डर है जो यहाँ पे लटका देने का। तो गाइज अगर नीचे नज़र डालोगे तो यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग हमने अलग से लगा रखी है। तो तुम लोगों को पता ही है मैं यार मुंबई में गर्मी इतनी है कि थोड़ा आर्टिफिशियली हमें थोड़ा रूम ठंडा करना पड़ता है, और मैं थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा करके रखता हूँ तो थोड़ा फ्लोरिंग ना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो उसके लिए एक कारपेट बिछा रखा है कि क्या मैं गर्मी के मौसम में हुडी डालने के लिए थोड़ा रूम ठंडा करता हूँ, वैसे ही पैरों के लिए थोड़ा कोजी फील हो इसलिए कारपेट लगा रखा है। तो गाइज यहाँ पे हमने कुछ शेल्स बना रखे हैं जहाँ पे अगेन कुछ एक्शन फिगर्स है और कुछ कार्टून्स के कुछ प्लांट डाल रखे हैं, कुछ कैंडल्स वगैरह लगा रखी है।
और वहाँ पे भी RGB लाइट्स है। उसके बाद ये बैकग्राउंड में हमने एक सेक्सी सा वॉलपेपर चिपका के रखा है। तो क्या वो जो लाइट्स है वो शाश्वत ने बोला कि ये कलर की जो वॉलपेपर है वो थोड़ा अच्छे से कैप्चर करती है लाइट्स को और थ्रो अच्छे से करता है रूम पे, एब्जॉर्ब अच्छे से करती है। उसके बाद हमारा ये जो वार्डरोब के लैमिनेट्स है वो सब थोड़े चेंज कर दिया है। वो तुम लोग देखो पहले कैसा था, वो थोड़ा बाहर से वो रूम के वाइब को मैच करने के लिए ये डोर का और इसका लैमिनेट्स बदल दिया। अब कमिंग टू द मेन पार्ट, जो हमारा बैकग्राउंड रहने वाला है, जो सेटअप में पीछे की तरफ का वॉल जो रहने वाला है, उसमें सबसे पहली चीज ये फ्रेंच फ्राइज का लोगो। ये इसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट बैठा है, SA-12 की स्पेसशिप और हमारी फ्रेंच फ्राइज दोनों एक साथ, यार क्या बात है, लवली। तुम लोगों को पता होगा जो वीडियो आने में डिले हुआ है इसी के चक्कर में हुआ है, 1 महीना लग गया इसको आने में। रूम बन गया, ये भाई साहब थोड़े स्पेसशिप में उड़ रहे थे, पर ठीक है, इनकी स्पेसशिप भी यहाँ पे है। वैसे देखी जाए तो एक छोटी सी स्पेसशिप भी हमने लगा रखी है। तो तुम लोगों को याद होगा गाइस, पुराने गेमिंग हाउस में 16 और 8 बिट के लोगो हुआ करते थे, वैसा ही SA-12 के लोगो के साथ हमने अपने नाम का ये बोर्ड बना दिया है, जो ऑब्वियसली लाइट के साथ आता है। इसके अंदर डिमर भी है, तो मतलब ब्राइटनेस अप डाउन कर सकते हैं कैमरे के हिसाब से। बैकग्राउंड में ये रहने वाला है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। और इसके साथ गाइज हमारा 1 मिलियन का प्ले बटन जो गेमिंग हाउस में था इतनी टाइम से, वो हम घर लेके आए अपने साथ। यार एक लगा है यहाँ पे, दूसरा लगा है यहाँ पे। यार तो अभी यार ये रूम बनते बनते ख्याल आया कि यार चेयर के अलावा बैठने की कोई जगह नहीं है, तो उसके लिए फिर अलग से एक थोड़ा सिटिंग एरिया समझ के एक बेड ही बना दिया है। उसके नीचे थोड़ा स्टोरेज का एरिया रखा है और नीचे RGB लाइट्स लगी है। तो बेड तो मैं वैसे तो ये रूम में सोता नहीं, पर कभी ऐसे गेमिंग करते करते थक गए यहीं लेट जाएंगे यार। और साइड में और एक्शन फिगर्स रखने की जगह है और Alexa भी कनेक्टेड है। तो WWE के तो गाइस अभी फिलहाल जितने एक्शन फिगर्स थे वो लगा रखे, और कुछ 15-20 मैंने मंगवा रखे जो आने वाले। तो यहाँ पे एक और टेबल लगा रखा है, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर मम्मी ने बना रखा है यार, और उसी के साथ साथ बचे हुए थोड़े एक्शन फिगर्स और यहाँ पे सेट है। और ये एक बहुत सेक्सी चीज़ है यार, ये है क्या मेरे को पता नहीं, इसका यूज़ क्या है, लाइट अच्छी चमकती है और इसके सर पे हेडफोन रख सकते हैं, वैसा सब है। तो इसको बस लाइट के तरीके से एस्थेटिक के तरीके से रूम में सेट कर रखा है। और फाइनली ये जो वॉल है ये पैनलिंग की हुई है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे बीच बीच में RGB की लाइट सेट हुई है, और इसके अंदर जो लाइट स्ट्रिप्स है वो मिलियन कलर के कॉम्बिनेशन में आती है। तो हम एक एक कलर में इस रूम के वाइब को चेक करेंगे कि किस कलर से रूम की वाइब कैसे पलट जाती है यार। तो गाइस मेरा पहले जो सेटअप था उसमें ऊपर 6 बड़ी बड़ी ऐसी लाइट्स थी, पर उसको चेंज करा के हमने पूरा सीलिंग तोड़वा के फॉल्स सीलिंग वापस लगवाया है, और उसके ऊपर भी RGB की स्ट्रिप्स लगी है, और करंटली ये 4 गोले लगे हैं जो सीलिंग वाली लाइट्स है वो कलर चेंज उसके कर सकते हैं हम। तो एक बार वो भी करके दिखा दें और उसके बाद RGB वाले पे आते हैं। तो गाइस ये सारी लाइट्स रिमोट कंट्रोल्ड है, तो इसमें पहले 3 कलर कॉम्बिनेशन है, एक ये थोड़ी मिक्स्ड वाली है, अगली जो है ये प्योर वाइट लाइट है, और तीसरी जो है वो एकदम येलोइश लाइट है। और इसमें एक नाइट मोड का भी ऑप्शन है, अगर थोड़ा रात वाला माहौल बनाना है तो थोड़ा डिम भी कर सकते हैं उसको, तो ये भी तीनों कलर पे वो थोड़ा डिम हो जाएगा। ये तो रही चलो सीलिंग लाइट्स की बात, जो मेन वाइब है वो तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड की RGB लाइट्स। तो गाइस ये जो RGB लाइट्स है ये Alexa कंट्रोल्ड भी है, और इसमें एक्चुअली मिलियन प्लस कॉम्बिनेशन है, पर Alexa को हमने प्रीसेट कर रखा है कुछ कलर्स में, स्पेसिफिक कलर्स है जो हम लोग बोलते ही Alexa लाइट चेंज कर देती है। Alexa रेड लाइट्स, Alexa व्हाइट लाइट्स, Alexa मजेंटा लाइट्स, Alexa पिंक लाइट्स, Alexa पर्पल लाइट्स, Alexa ग्रीन लाइट्स, Alexa येलो लाइट्स, Alexa डार्क ब्लू लाइट्स, Alexa सैलमन लाइट्स। तो फिलहाल गाइज ये कुछ प्रीसेट्स थे जो Alexa में हमने ये एक सेट कर रखे थे। उसके अलावा अगर इंडिविजुअली एक एक लाइट का हमें अगर अलग अलग कलर सेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, कि एक ये वॉल का एक अलग है, सीलिंग का अलग है, और ये टिकट वाला वॉल का अलग है। तो ये हम मैन्युअली भी जो कलर कॉम्बिनेशन में रखना है वो रख सकते हैं। तो गाइज पहले मेरा जो सेटअप हुआ करता था वो इस वॉल पे हुआ करता था, यहाँ पे मेरा डेस्क था जो यहाँ तक था आई थिंक,
और ये बैकग्राउंड पे टिकट तो आई थिंक यहीं पे थी, थोड़ी नीचे हुआ करती थी। इनिशियली जब ये रूम डिज़ाइन हुआ था तो शाश्वत ने जो पहला प्लान बताया था वो इस तरफ भी एक्चुअली ये वार्डरोब पूरा तुड़वा के यहाँ पे एक ये जो टिकट वाला पार्ट है वो यहाँ पे लगता और एक एल शेप में डेस्क लंबा सा बनता ऐसा। पर वहाँ पे इशू ये हो गया कि जो स्टोरेज यहाँ से तोड़ के वो बाकी रूम में सेट करना था वो स्टोरेज थोड़ा कॉम्पेंसेट नहीं हो पाया, तो इसीलिए इसको वैसे रहने दिया और इस टेबल पे ऊपर टिकट यहाँ पे लगाने का प्लान बना है। ऑल्सो गाइज, पहले हमारे सेटअप में तुम लोगों को पीछे दिखता होगा एक ब्लू कर्टन हुआ करते थे मेरे, वो निकाल के हमने ये ग्रे कलर के ब्लाइंड्स डाल दिए जो रूम के कलर के साथ और वाइब के साथ मैच करे। और ये पूरा एक ही है, पहले दो अलग अलग हुआ करते थे, अब ये पूरा एक है। अभी तो खैर रात हो गई है तो बाहर तो कुछ नज़र आएगा नहीं, पर इसके दिन के शॉट्स भी हमने ले रखे हैं जो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो दिन में इस रूम की वाइब थोड़ी अलग होती है और रात होते होते आरजीबी के साथ एक अलग ही रूम में आ गए वो वाला फील होता है यार। अब गाइस, पीसी सेटअप का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है वायर मैनेजमेंट। एक भी वायर नीचे ना दिखे इसलिए शाश्वत ने ये सारा सेट कर रखा है। यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन बोर्ड लगा रखा है और बाकी जो भी पीसी के वायर्स है उसको अलग से यहाँ पे ऊपर कुछ सेट कर रखे, कुछ पीसी के पीछे सेट कर रखे, वो सारे अच्छे से एक लाइन में एक बांध रखे कि थोड़ा नीट रहे, सेटअप भी क्लीन रहे। वरना मेरे पुराने सेटअप पे तो यहाँ वहाँ वायर हर जगह से कहीं ना कहीं कोई वायर निकल रहता था, दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, ये थोड़ा अच्छे से सेट कर रखा है। तो गाइस, रूम तो तुम लोग ने देख लिया, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार इस रूम बनाने में खर्चा कितना हुआ होगा। तो ये रूम बनाने में करीब करीब उतना ही खर्चा हुआ है जितना मेरा ये कैमरा और उसके इक्विपमेंट्स देने में हुआ था, ऑलमोस्ट उतना ही कह सकते हैं यार। तो आई थिंक इट वॉज रियली वर्थ इट यार, मतलब एक एक चीज़ जो डिज़ाइन की है और जो लगी है, जो प्राइस से लेके टिकट से लेके आरजीबी लाइट से लेके ये वाइपर का बोर्ड, स्पेसशिप उसमें भी एस्ट्रोनॉट, हमारे दो प्ले बटन्स, ये सारा एक मतलब पर्सनलाइज्ड, मतलब मेरा ड्रीम अगर कोई रूम होता, ऑल तो मेरा था नहीं, मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं था, आइडिया पूरा शाश्वत का ही था, पर उसने मुझे एलिमेंट्स पूछे थे कि क्या क्या आपके क्लोज है या लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। तो ये बस मेरा रूम है और ये उसी के सारे एलिमेंट्स है यार। ट्रांजिशन तुम लोगों ने देखा होगा, पहले मेरा रूम ये था और अब वो ये है। तो गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को मेरा ये गेमिंग रूम कैसा लगा, एंड मेक श्योर टू लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू ऑल।